मूवी की शुरुआत में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो जंगल में बने किसी घर में लेटर पोस्ट करने जाता है। वह घर के बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए आवाजें लगाता है, मगर काफी देर के बाद भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। उसी दौरान हमें उस घर में एक लेडी को दिखाया जाता है जो लाउड म्यूजिक बजाते हुए खून लगे कपड़ों को धो रही है, इसीलिए उसे बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जब पोस्टमैन वहां से जाने लगता है तो उसे उसी घर की बेसमेंट की खिड़की से कुछ अजीब तरह की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर वो उस खिड़की के पास जाता है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसमें अजीब तरह का कोई जानवर होता है। अब वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि पीछे से वो जानवर उसे अंदर की ओर खींच लेता है। उस घटना को 30 साल हो चुके हैं और स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है, जहां पर हम देखते हैं कि उस जंगल को कैंपिंग के तौर पर यूज किया जाने लगा है। अब एक कैंप के दौरान वहां पर ऐसे बच्चों को लाया जाता है जो इंटरनेट और मोबाइल के बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। पहले भी कई सारे बच्चों को वहां पर लाया गया जिससे उनकी इस आदत में काफी सुधार हुआ, इसलिए अब यहां पर फिर से 50 बच्चों को लाया जाता है जिन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उनसे सारे मोबाइल और इंटरनेट गैजेट ले लिए जाते हैं। अब उस कैंप का मैनेजर सभी को अनाउंस करते हुए बताता है कि यहां पर सिर्फ आपको अपने दोस्तों को वक्त देना है और फुल एंजॉय करने के लिए ऐसा सोचो जैसे वो सबको छोड़कर वैकेशंस पर आए हैं। वहीं दूसरी ओर हमें उसी पुराने घर को दिखाया जाता है जिसमें रहने वाली औरत अब बूढ़ी हो चुकी है और वह एक हिरण का शिकार कर उसे बेसमेंट में डालने की तैयारी करती है ताकि वे क्रिएचर अपना पेट भर सके। लेकिन जब वे उस हिरण को खींचती हैं तो पैर फिसलने की वजह से वो भी उसके साथ अंदर गिर जाती हैं और अब हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस औरत को मारकर बेसमेंट से बाहर निकल जाता है जिसके हाथ बहुत ही भयानक होते हैं। अब दूसरी ओर हम उन कैंपिंग कर रहे बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक 5 बच्चों वाले ग्रुप को दिखाया जाता है जिसकी लीडर ईजा होती है। वो उन सभी को लेकर 3 दिन के टूर के लिए निकल जाती है, लेकिन चलते वक्त बीच रास्ते में 2 ग्रुप मेंबर डैनियल और बाटे किसी वजह से फाइट करने लगते हैं। उस दौरान बाटे को चोट लग जाती है जिसकी मदद एक जोसिया नाम की लड़की करती है, लेकिन वहां पर जुलेक नाम का एक लड़का किसी मरे हुए हिरण को देखकर चिल्लाने लगता है और सभी मेंबर्स वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस समय ईजा उस मरे हुए हिरण को देखकर बताती है कि ये किसी जानवर का किया गया काम तो नहीं हो सकता और उसी वक्त जोशिया को जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे उन आवाजों की ओर देखती है तो उसे एक पेड़ के पीछे उसी भयानक क्रिएचर का हाथ दिखता है जो वहां पर खुला घूम रहा है। अब रात हो जाने पर सभी बातें करते हैं। उस समय ईजा जुलेक से पूछती है कि तुमने इस कैंप को क्यों ज्वाइन किया, तब वे बताता है कि मैं एक गेमर हूं और मेरी YouTube पर 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। कुछ दिनों में मैं एक गेम चैलेंज में पार्टिसिपेट भी करने वाला था, लेकिन मेरे गेम खेलने की आदत को देखकर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस कैंप में भेज दिया। अब सभी लोग वहां पर अपना टेंट लगाकर सो जाते हैं, लेकिन मिडनाइट में डैनियल उठता है और लैक के पास बैठकर सिगरेट पीने लगता है। कुछ ही बाद वहां पर एनेलिया नाम की एक लड़की आ जाती है, वो भी डैनियल के साथ सिगरेट पीती है और कुछ पल एंजॉय करके वापस चली जाती है। और उसके बाद डैनियल वहां पर सोए हुए फोन को देखने लगता है क्योंकि वो वहां पर उसे सबमिट ना करके छुपा कर अपने साथ रख लेता है। तभी वहां पर वह क्रिएचर आ जाता है जो डैनियल को पेड़ के तने पर पटक पटक कर उसे मार देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम जोसिया को देखते हैं जो अभी अभी एक बुरे सपने को देखकर जागी है जिसमें एक सेल्फी लेने के चक्कर में उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सभी लोग फिर से आगे की जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डैनियल वहां पर नहीं होता है जिसकी वजह से वह रुकते हैं। एनेलिया के बताने पर वह उसे ढूंढने के लिए लैक के पास जाते हैं जहां पर उन्हें डैनियल नहीं मिलता है और वह सभी काफी परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त जोसिया को पास ही के पेड़ पर खून लगा हुआ मिलता है जिसे देखकर वह सभी और ज्यादा परेशान होते हैं। अब वह सभी उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं, तब ईजा जोशिया और जुले को वही घर देखता है जो उस क्रिएचर का होता है। वह तीनों उस घर में जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत बुरी स्मेल आ रही थी और उसका पीछा करते हुए सभी उस बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर वे देखते हैं कि डैनियल की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है जो काफी सड़ चुकी है। उसी दौरान हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अब घर में आ जाता है और बेसमेंट में घुस रहा है जिसे देखकर ईजा जुलेक और जोशिया को खिड़की से बाहर निकाल देती हैं। मगर जब वे निकलने वाली ही होती हैं तब डैनियल की जेब में पड़ा हुआ फोन रिंग करने लगता है। ईजा सोचती है कि मैं इसे लेकर भी निकल जाऊंगी, लेकिन तब तक वह क्रिएचर ईजा तक पहुंच जाता है और बाहर खड़े जुलेक और जोशिया के पास ईजा का कटा हुआ सर आकर गिरता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर हमें एनेलिया और बैटे को दिखाया जाता है जो लहर के किनारे बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी वो क्रिएचर वहां पर आ जाता है और एनेलिया के सर में एक रोड घुसा देता है जिससे वो वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर बाटे तुरंत वहां से भाग जाता है और भागते हुए वह पास ही की चर्च में पहुंचता है जहां पर वो चर्च के पादरी को अपने साथ हुई घटना को सुनाता है। लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता है और उसे बेहोश करके एक चेयर पर बांध देता है। होश आने पर वह बाटे को बताता है कि तुम जैसे लोग हमारे समाज के लिए कलंक हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। दरअसल उस पादरी को लगता है कि बाटे के एक मानसिक रोगी है जिसका दिमाग सही नहीं है। उसी दौरान उस पादरी को चर्च के बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वह बाहर जाता है तो उस समय वह क्रिएचर पादरी को बुरी तरह घायल करके एक क्रेशर में धकेलकर उसका रायता बना देता है। वही बाटे अपने आप को उस कुर्सी से खोल लेता है और वहीं पर बने एक लकड़ी के बॉक्स में जाकर छिप जाता है।
दूसरी ओर जुलेक और जोशिया जंगल में चलते हुए एक घर पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वही पोस्टमैन होता है जिसे उस अजीब जानवर ने अंदर की ओर खींचा था, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से जिंदा बाहर निकल गया था। अब वो उन दोनों को 30 साल पहले की कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि उस घर में एक लेडी रहती थी जिसकी दो जुड़वा बच्चे थे, उन्हें वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक रात आसमान से एक उल्का आकर गिरता है जिसे वे दोनों बच्चे देख लेते हैं और अपनी माँ को बिना बताए उसे अपने बेड के नीचे छुपा लेते हैं, और लगभग आधी रात में उस पत्थर से एक अजीब सा लिक्विड निकलता है और उन दोनों बच्चों की बॉडी के ऊपर समा जाता है जिससे वे दोनों अजीब सी क्रिएचर बन जाते हैं, और सबसे पहले ही वो अपने कुत्ते को खा जाते हैं। अपने दोनों बच्चों को हैवान बनता देख वह उनको एक बेसमेंट में बंद कर देती है और सालों तक वहीं से उन्हें खाना देती रही, लेकिन एक बार वो खुद भी गलती से उनका शिकार हो जाती है और इसके बाद वो दोनों खुले घूम रहे हैं। ये सब सुनकर जोशिया समझ जाती है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो क्रिएचर हैं। अब जुले को बताती है कि अगर हमें इस जंगल से बाहर निकलना है तो सबसे पहले उस घर से डैनियल का फोन लाना होगा ताकि वो हेल्प के लिए किसी को बुला सके। इसके बाद वो दोनों क्रिएचर के घर जाते हैं जहाँ पर जोशिया उस विंडो से बेसमेंट में घुस जाती है, और जैसे ही फोन को लेकर बाहर निकलने लगती है तभी वो क्रिएचर उसे पीछे से अंदर की ओर खींच लेता है, और इस बार वो उसे मारने के बजाय उसकी बॉडी की स्मेल लेने लगता है। उसी दौरान जुलेक पीछे से एक चाकू से उस पर वॉर कर देता है, मगर इतने छोटे चाकू से उसी बॉडी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वह उसी चाकू से जुलेक को आधा घायल कर छोड़ देता है, और अब जोशिया को एक चैन से बांध कर ऊपर चला जाता है। बेहोशी की हालत में एक बार फिर से जोशिया को वही बुरा सपना आता है जिसमें उसके माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और वे चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाती हैं, और इसलिए डिप्रेशन की वजह से वो कैंप में आई हैं, और जब उसे होश आ जाता है तो वो जुलेक को तड़पते हुए देखती हैं। जुलेक उसे अपनी बॉडी से चाकू निकालने के लिए कहता है और जोशिया के चाकू निकालते ही वो मर जाता है। अब जोशिया किसी तरह उस चैन से फ्री हो जाती है और डैनियल का फोन उठाकर वहां से जाने लगती है कि उसे वहीं पर एक बड़ी तलवार दिखती है जिसे लेकर वो ऊपर जाती है और वहां पर सो रहे उस क्रिएचर को मार देती है। दूसरी ओर हमें बाटे को दिखाया जाता है जो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उस पोस्टमैन के घर पर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाने से पोस्टमैन सोचता है कि शायद वो क्रिएचर है, इसलिए वो अंदर से ही अपनी गन से शूट कर देता है, लेकिन जब वह बाहर जाकर देखता है तो बाटे वहां पर पड़ा हुआ होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जंगल में पेट्रोलिंग पे आता है और उसी वक्त हांफते हुए जोशिया वहां पर पहुंचती है जिसे देखकर वो ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर कैंप की ओर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी सड़क पर पड़ा हुआ दिखता है जिसकी मदद के लिए वो उसके पास जाता है। जोशिया उसे मना करती है लेकिन वो रुकता नहीं है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि दूसरा क्रिएचर होता है जो उस ऑफिसर को बीच में से काट देता है। अब जोशिया खुद गाड़ी ड्राइव करके उस क्रिएचर को कुचल देती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को दो आदमी शराब पीते हुए सड़क पर चल रहे होते हैं और उसी वक्त वो क्रिएचर वहां से खड़ा हो जाता है, और यही इस फिल्म का आखिरी सीन होता है। इसके बाद ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आप अपना सपोर्ट हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। थैंक यू।